Good morning everyone, so welcome back to my channel. कुछ प्लान नहीं था बट हम लोग बाहर निकले थे और आज मरन के पापा की भी छुट्टी थी तो वीकडे है. मैंने सोचा ब्लॉग कर लेती हूँ क्योंकि थोड़ी बारिश है तो मनन को आज हम कार में छोड़ने जा रहे हैं स्कूल. तो इसी बहाने मैं आपको यहाँ का थोड़ा सा स्नीक पिक दे दूँगी जो यहाँ के नर्सरी स्कूल्स होते हैं जिन्हें होएकुन कहते हैं वो कैसे होते हैं. एंड और हमें एक दो जगह और भी जाना है तो आज बस ऐसे ही एक छोटा सा ब्लॉग बनेगा जिसमें पूरे दिन की एक्टिविटी रहेगी कि हम बाहर कहाँ कहाँ गए हैं और मनन का स्कूल भी देखने को मिल जाएगा आपको. हम बैंक से निकल गए लेकिन बैंक में हमारा काम नहीं हुआ अभी तक. गलती बैंक वालों की नहीं थी, गलती मेरे हस्बैंड की थी. क्या गलती थी? एक्चुअली जापान के बैंक्स में इतना टाइम नहीं लगता है, काम फटाफट हो जाता है. बट हम लोग अपना डॉक्यूमेंट लाना भूल गए तो इस वजह से काम नहीं हो पाया. ओके गाइस, थोड़ा सा प्लान चेंज है. मेरे हस्बैंड चले गए हैं घर और मैं जा रही हूँ सामान लेने. ये मेरा वही फेवरेट स्टोर है. आज ट्यूसडे है और आज यहाँ पे थोड़ा सा डिस्काउंट और सेल रहती है तो इसीलिए आज मैं यहाँ पर फिर आ गए. Thank you.
मिनी टमाटर्स जो मैंने मनन के लिए गार्डन में लगा रखे हैं वो आप देखिए 171 yen के। ओह माय गॉड, जापान की सब्जियाँ, ये देखिए इतनी सी बीन्स, हार्डली 15-20 बीन्स हैं इसके अंदर, एंड ये है 129 yen की। ये देखिए भुट्टे भी मिलते हैं यहाँ 149 yen के। हाय अगेन गाइस, तो अभी बैंक का काम हो गया है, दोबारा हम बैंक गए थे और बैंक का काम खत्म हो गया। अभी मैं पार्किंग में अकेले बैठी हुई हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड अभी गए हैं अपना हेयर कट करवाने के लिए, तो मैं उनका गाड़ी में वेट कर रही हूँ। वहाँ जाके फ़ायदा नहीं था बैठने का, मैं बोर ही हो जाती तो इसलिए मैं यहाँ बैठी हुई हूँ अभी। इसके बाद हमें जाना है, कुछ सामान लेना है, तो शायद पहले हम होम सेंटर जाएंगे या दूसरी जगह भी जाना है, क्योंकि हमें एक्चुअली हम काफ़ी दिन से अपने घर के लिए एक बड़ा वाला जो टेबल फ़ैन होता है उस टाइप का कुछ ढूंढ रहे हैं। एक्चुअली एक हमारे पास है जो हम अपने बेडरूम में यूज़ करते हैं, बट एक हमें चाहिए जो थोड़ा बड़ा हो, क्योंकि लिविंग रूम थोड़ा स्पेस ज़्यादा है वहाँ पे, तो बड़ा फ़ैन होने से थोड़ा फ़ायदा रहेगा। अभी समर्स है, ऑल दो एसी लगा हुआ है बट इतनी गर्मी नहीं है कि हम एसी चलाएं, इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। एटलीस्ट शाम तक तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि विंडोज़ ओपन रहती हैं, तो उसकी वजह से हवा बहुत अच्छी पास हो जाती है। बट शाम को हम अपनी विंडोज़ वगैरह बंद कर देते हैं मच्छर वच्छर के चक्कर में। जी हाँ, जापान में भी मच्छर होते हैं, एंड वैसे ही आजकल बारिशों के दिन हैं तो मच्छर ज़्यादा होते हैं, तो इस वजह से हम काफ़ी दिन से अपने लिविंग रूम एरिया के लिए एक बड़ा फ़ैन ढूँढ रहे हैं। तो वो फ़ैन हम कहाँ से लेने वाले हैं वो मैं आपको बताऊंगी अगर हमें वो फ़ैन मिल गया तो, अदरवाइज़ तो शायद फिर मैं वहाँ की वीडियो नहीं लूँगी इसमें, इस व्लॉग में, तो देखते हैं। तो चलिए, जब तक मेरे हस्बैंड नहीं आते मैं गाड़ी में ही वेट करती हूँ, उसके बाद मैं आपको मिलूँगी जब मेरे हस्बैंड आ जाएंगे। सी यू देन। तो गाइस, हम आए हैं एक रिसाइकल शॉप में। जी हाँ, तो गाइस हमको फ़ैन मिल गए हैं बड़े वाले, मैं आपको दूर से दिखाती हूँ। तो अगर हम किसी प्रॉपर शोरूम में जाके, इलेक्ट्रॉनिक शॉप में जाके फ़ैन्स ख़रीदेंगे तो समवेयर अराउंड हमें 15,000 yen तक के पड़ जाएंगे, और यहाँ पे ये मिल रहे हैं अराउंड 6,000 yen में, तो हाफ से भी काफ़ी कम है इसका रेट। एंड क्वालिटी भी अच्छी लग रही है, ब्रांडेड है, ऐसा लोकल कुछ नहीं है, ब्रांड के प्रोडक्ट हैं। तो देखते हैं हम ये लेंगे या नहीं, लेट्स सी।
तो अब हम दूसरी शॉप में आए हैं फैंस देखने के लिए। यहाँ पे हमें दो ऑप्शन मिल रहे हैं। ये वाला थोड़ा महंगा है सेकेंड हैंड के कंपेरिजन, मतलब सेकेंड हैंड होने के बावजूद ये थोड़ा महंगा पड़ रहा है, बट इसमें काफ़ी सारे फंक्शंस हैं। स्पेशली ये वाला जो है, ये वाला जो है चाइल्ड लॉक, तो घर में मनन की सेफ्टी के पर्पज से अच्छा है। क्या करें, समझ नहीं आ रहा। दूसरा हमें ये वाला पसंद आया है जो सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा खास फंक्शन नहीं है और नॉर्मल हवा भी अच्छी है, इसकी स्पीड अच्छी है। तो हमने इन दोनों के ऑनलाइन प्राइजेस कंपेयर करने हैं अभी कि ओरिजिनल प्राइस कितना है इनका। ये वाला तो ओरिजिनल प्राइस पे 13,000 yen का पड़ रहा है अगर हम नया ख़रीदें, बट यहाँ पर ये लोग इसे 4,800 yen में दे रहे हैं। तो अभी हम उस वाले का चेक करते हैं कितना प्राइस है। गाइस हम ये वाला नहीं ले रहे क्योंकि ये उठाने में भी थोड़ा हैवी है और वर्थ नहीं लग रहा। गर्मियों में सिर्फ 2-3 महीने के लिए यूज़ करना है, तो आई डोंट थिंक सो इट्स वर्थ कि सेकेंड हैंड इतना महंगा लें हम। ऑलमोस्ट ये हमें 10,000 yen का पड़ जाएगा विद टैक्सेस मिला के, और ये वाला हमें अराउंड 5,000 yen में पड़ जाएगा। तो इंडिया के सपोज आधा कर लीजिए, थोड़ा सा 2,500 या 2,700 का। तो हमने ये फाइनल किया है, ये वाला फ़ैन हम लेने वाले हैं। चलिए मैं आपको थोड़ा बहुत और दिखा देती हूँ, अब आई हूँ तो। ये सारी क्रॉकरीज नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये सारी पुरानी क्रॉकरीज है, ये सारी नई क्रॉकरीज है। काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। मैं तो ली फाइटर शॉप बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ क्योंकि अगर कोई चीज़ 10,000 की है मार्केट में और यहाँ पर मुझे 2,000 की मिल रही है अच्छी कंडीशन में, तो मैं तो बहुत प्रैक्टिकल सोचती हूँ कि भाई क्यों मैं पैसे वेस्ट करूँ नई चीज़ के लिए जब मुझे सेकेंड हैंड ही अच्छी मिल रही है। तो मुझे तो बहुत पसंद आती है स्ट्रीट साइकिल शॉप्स और सेकेंड हैंड शॉप जो होती हैं जापान में। तो अब हमने फ़ैन खरीद लिया है, टाइम हो गया है, दिन के 1:30 बज रहे हैं, अब हम जा रहे हैं थोड़ा सा लंच करने। तो अभी हम आए हैं कि इटालियन रेस्टोरेंट, ये बहुत ही नॉमिनल सा लाइक चीप रेस्टोरेंट है, ज़्यादा महंगा भी नहीं होता, फैमिली रेस्टोरेंट है। तो आइए चलते हैं। बाय वॉकिंग सॉरी। सो अभी यहाँ पे हम आए हैं एक्चुअली अपने स्टोर रूम के लिए एक कारपेट लेने के लिए। और मिस्टर मनन राणा आ गए हैं स्कूल से वापस। मनन स्माइल कर दो, मनन स्माइल कर दो मनन। स्माइल कर दो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। अगर आपको वीडियोज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज उसे शेयर करिए आगे भी, और खुद भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। So until my next video, bye bye.